टीएस एकेडमी के सेशन में हम प्राइवेटाइजेशन और लीजिंग आउट टाइम स्लॉट्स के बारे में बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन 1991 में मेजर पॉलिसी चेंजेस हुए इंडिया में इकोनॉमी को लेके। यहाँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो था प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, अब गवर्नमेंट के हाथों से निकल के प्राइवेट सेक्टर में चला गया। इसको हमने टर्म किया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेटाइजेशन से पहले जो भी बिजनेस ओनरशिप या प्रॉपर्टी थी वो लाइसेंस सिस्टम के आधार पे दी जाती थी। बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ज्यादा फंड आने लगा, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, और सोशलिस्ट इकोनॉमी से हम फ्री मार्केट सोसाइटी की तरफ बढ़े, जो कि एक लिबरल इकोनॉमी का सिस्टम है जहां पे कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है। जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो ज्यादा इनफ्लो ऑफ मनी होता है और आपके कंज्यूमर के पास चॉइसेस होती है कि वो क्या चूज करे। मीडिया सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ग्रोथ को देखा गया। कमर्शलाइजेशन हुआ मीडिया सेक्टर का मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, और पूरी रिवैल्यूएट की गई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। प्राइवेटाइजेशन की हिस्ट्री। अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें तो रेडियो और टेलीविजन पहले स्टेट कंट्रोल में होते थे, जिनका मेन मकसद नेशनल बिल्डिंग था और प्रमोट करना था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। दूरदर्शन गवर्नमेंट के माउथपीस की तरह एक्ट करता था, और 1991 में ली का शिंग का स्टार टीवी शुरू हुआ यूजिंग एशिया सैट सैटेलाइट टू ब्रॉडकास्ट इन साउथ एशिया। अक्टूबर 92 में जी टीवी लॉन्च हुआ, जो फर्स्ट हिंदी चैनल था इंडिया में। प्राइवेटाइजेशन के बाद दूरदर्शन ने भी अपने आप को री इन्वेंट किया और मल्टी चैनल्स आए जो कमर्शियली ओरिएंटेड सर्विसेज देते थे, जिसके अंदर प्रोड्यूसर अपने प्रोग्राम स्पॉन्सर और स्पॉन्सर करके दिखलाते थे। डीडी मेट्रो का यहीं से उत्पन्न हुआ। 1995 में जापान का सोनी एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो सीन में आया। प्राइवेटाइजेशन से जो रीजनल प्रोग्राम्स थे वो डेवलप हुए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में भी चैनल्स आने लग गए। प्राइवेटाइजेशन ने हेल्प किया न्यूज मीडिया को भी डेवलप करने में कमर्शियली। 1990 में स्टार ने कमीशन किया एनडीटीवी को ताकि वो इंग्लिश न्यूज प्रोवाइड करे स्टार के लिए। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी 2000 में। जुलाई 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो प्राइवेटाइज करेगी एफएम रेडियो स्टेशन को। इससे क्या होगा, इससे जो है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स आएंगे और एक मोनोपोली जो पब्लिक सेक्टर की है वो ब्रेक होगी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में इसको डाला गया, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लाइसेंस ऑफर करेगी 10 साल के लिए, और लाइसेंस फीस जो है वो इंक्रीज होगी 15% एनुअली। प्राइवेटाइजेशन फेज वन। फेज वन में 185 एफएम रिले स्टेशन आए देश में, जिनमें से 139 जो थे वो गवर्नमेंट ओन्ड थे ऑल इंडिया रेडियो के, और 46 जो थे वो सेमी और प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स के थे। एफएम की इमेज एंटरटेनमेंट वाली ही रही, उसको ज्यादा सीरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन टूल नहीं माना गया, क्योंकि अभी भी प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को न्यूज एयर करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन यह देखा गया कि आगे फेज में इसको चेंज करने का प्रस्ताव। फिर कॉन्सेप्ट कम्युनिटी रेडियो का डेवलप हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया इग्नू को, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को, ताकि वो 40 एफएम स्टेशंस लाए और उनके थ्रू जो है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करे। हालांकि इग्नू सिर्फ 16 स्टेशन स्टार्ट कर पाया, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट कि एजुकेशन रेडियो के थ्रू कैसे प्रोवाइड किया जाए बहुत प्रोडक्टिव रहा। रेडियो ब्रॉडकास्टर्स इंक्लूडिंग रेडियो मिर्ची ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया ताकि वो पॉलिसी चेंज हो, और 24 जुलाई 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, जिसका नाम दिया रेडियो टास्क फोर्स। ये कमेटी डॉक्टर अमित मित्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की हेड कर रहे थे।
इन्होंने स्टडी किया कि कैसे एफएम रेडियो की इंडस्ट्री को जो हम चेंज ला सकते हैं लाइसेंसिंग प्रोसेस के ऊपर। फेज टू प्राइवेटाइजेशन का, इसमें पॉलिसी जो डाली गई वो ये डाली गई कि हम जो है एफएम रेडियो जो प्राइवेटाइजेशन है उसको और वायबल बनाएंगे, उसको और एक्सपैंड करेंगे। वायबल कैसे बनाएंगे कि हम उसको फाइनेंशियली वायबिलिटी देंगे जहां जो है शिफ्ट होगा प्रोग्रामिंग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा चॉइस हमारे इंडियन लिसनर्स को मिल सके। रेडियो मिर्ची बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि इस नई पॉलिसी के हिसाब से वो काफी जो है एक्सपैंड कर पाएगा और प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, क्योंकि इस नई पॉलिसी में लाइसेंस फी को हाफ द अमाउंट कर दिया गया पहले वाले फेज के मुताबिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करी एक्सपेंशन के लिए एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्राइवेट चैनल्स या प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू। थैंक यू टीएस अकेडमी देखने के लिए। आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें।